मेरी बेटी गुंजन का ब्याह भटिंडा के कलेक्टर पाहुजा साहब के बेटे अमन के साथ तय हुआ, तो रोके की रस्म शुरू करते हैं। मैं शादी नहीं करनी उससे। गुंजन के हाथ में रखो, रोका हो जाना है। तेरी बच गया। हेलो, अरे राज, लगता है दिल ले गई तेरा, तेरी सोनिया। होली के जश्न में अपनी बहन का रोका छोड़कर तू कहाँ गायब हो गया था मन्नू? ये सवाल नहीं पूछूंगी मैं, क्योंकि तेरे पास कोई ना कोई बहाना तो होगा। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर बताना चाहूंगी कि आज जिस तरह से तूने मुझे बताया है कि तुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर है, वो हमेशा याद रहेगा। मम्मी, ऐसा नहीं है कि मुझे ये शादी पसंद नहीं है। वो मैं क्या कान खोल के सुन ले मनु, तुझे ये रिश्ता पसंद हो ना कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा वही जो मैं चाहती। राजवीर गुंजन की शादी के लिए कोई प्लान बताने आ रहा है, वहां होना चाहिए इस बार। सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है मेरे, पहले ऐसे कभी नहीं होता था। मम्मी को लग रहा है कि मैं नहीं चाहता ये शादी हो, जबकि मैं नहीं, गुंजन दीदी चाहती है। और गुंजन दीदी को लगता है कि मैं उनकी शादी तोड़ने में मदद ही नहीं कर रहा हूं। ऊपर से उस राजवीर ने मुझे लड़की वाले रूप में देख लिया है। सबसे शुरू से शुरू करती हूँ, ये राजवीर यहां नहीं रह सकता, इसे तो यहां से भगाना ही होगा। अरे सुकी, ला स्पीकर पे लगाते हैं। कागज का फूल सरेआम नंगा नाच रहा है। सुखी वीर जी भी ओ प्राजी, थोड़ा मोबाइल ना एकदम कमाल दा है। ओए तुसी काम करो ना, कोई पंजाबी गाना लगाओ, ए एकदम तड़कता फड़कता। जी बजाता हूँ यार, रुक। पर पंजाबी वंजा भी बजा यार। ले पंजाबी पुत्र, थोड़ा मोबाइल बड़ा कमाल है यार। ओए वो तो है। ओए ओए काके, एक बात बताओ यार, किसी को बताएगा तो नहीं ना? पक्की होया यार, एक कुड़ी है बड़ी प्यारी लगती है यार, ठाए लगती है मुझे। ओए की गल है। ओए यार काके, दीवाना हो गया उसको देख के। जब चलती है ना तो बारिश आती है, आंधी तूफान, ट्रैफिक थम जाता है। और यार जब देखती है ना अपनी कातिलाना नजरों से, चुप जाता है यार, चुप जाता है। ओए काके मैं क्या बोल रहा हूँ यार, एक बारी मिलाते यार, एक बारी मेरा काम बनाते यार। तेनों एक गल दसूं, वाहे गुरु दी सौ, मैनू ना पिंड दी हर कुड़ी बड़ी चंगी लगती है, एकदम कांड। तुसी बोलो किससे मिलना है? ओए तू समझ नहीं रहा है सुक्की यार, उसकी बात ही और है यार। तू जब देखेगा ना उसे तो कहेगा काके क्या चॉइस है यार तेरी। सुखी प्राजी, देखो मैंने मम्मी जी ने बुलाया, मैं चला। लेकिन तुसी काम करो,
तब तक ना उस कुड़ी के बारे में सोचो, बड़ा मजा आएगा। तू दोस्त है कि दुश्मन, थोड़ी मदद तो करते जा। ओए पीठ पे लाल रंग लगा, उसे भी निकाल ले, ठीक है? इस बंदे को जल्द से जल्द पिंड से रफा दफा करना होगा। इसने मुझे देख लिया है प्रीत बने, अगर किसी को बता दिया तो एवी के फजीते हो जाने। कुछ तो करना होगा। राज आज बहुत होली खेली है यार तूने, पर एक बात तो है, यहाँ के लोग बड़ी मजेदार होली खेलते हैं, मजा आ गया। सच में यहाँ खड़ी हो या मैं जबड़ा देख रहा हूँ? कागज का फूल पागल हो गया है लगता है, दिन में ही सपने देख रहा है। ओए कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। आपकी पूरी पीठ लाल हो गई है रंग से, रंग छुड़ा दूं? दर्द भगा दिया जी बॉडी का। जी क्या मुलायम हाथ जी आप। ओए होए 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 कोई क्या कमाल मसाज करती है सोनिए। आहा हा मुंगेरी लाल किससे बात कर रहा है? पगलैट नहीं का अब देख, तू मेरे बारे में जानना चाहता है ना? अब तू खुद सबसे भागता फिरेगा छुप छुपाते। ये बास वैसे तो कपड़े निकालने के काम आती है, लेकिन अब तेरे कपड़े गायब यही करेगी। किसी ने समझा किया ही नहीं है। ओए कहाँ चली गई? ओए अरे अभी तो यही थी, लगता है सपना था। ओ यार राज, लगता है तुझे प्यार हो गया है। ओए कपड़े कहाँ हैं? हाँ यहीं तो थे। ये पक्का उस सुखी की करामात है, उसी ने घुमाए होंगे कपड़े, उसी ने चुराए होंगे। ओए यार ओए राज, कोई देखने ले यार। ए राज हाँ? यार कौन लॉक करके चला गया?
यार राज, ये जरूर उस सुक्की का काम है। मेरे कान तो रख के दूंगा कान के नीचे सुक्के। राज चुप, अगर आवाज निकालेगा तो सब आ जाएंगे यार, सब देख लेंगे तुझे ऐसे। क्या करूं अब, समझ नहीं आ रहा यार। ओए राज, क्या क्या करना पड़ता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। एक बार कपड़े मिल जाए फिर बताऊंगा उसे जिसने मेरे कपड़े चुराए। चंदा, चंदा, किधर थी? गई भैंस पानी में। नहीं आंटी जी को अंदर भेज सकता हूँ, नहीं तो यहाँ से हिल सकता है। अब क्या करेगा? ये गर्म पानी अंदर लेकर चलो, ये बाल्टियां लेकर आओ। ओए, ओए, ये क्या हो गया? यहाँ किसने कील गाड़ी? अब तो तौलिया निकल जाना है यार। चलो ओए। ओए, ये लड़का कौन है? अम्बा जी देखो जरा, मैनू तो ये चोर लगता है, इसकी अच्छी तरह धुलाई करवाओ। मुझे नहीं, 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 मैं चोर नहीं हूँ। निगोड़ा नंग धड़ंग घर में घुसा जा रहा है। आजकल एक गिरो आया है बदन पे तेल लगाकर घर में घुसते चोरी करने के लिए। नीचे उतर, नीचे उतर। आंटी जी नहीं आ सकता नीचे। तो फिर ऊपर जा। ऊपर? आंटी ऊपर भी नहीं जा सकता। मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ नीचे उतर। आंटी जी मैं नहीं आ सकता नीचे। आप मेरी बात समझिए, मेरी सिचुएशन को समझिए। अगर मैं नीचे आया ना तो मेरी इज्जत के फजीते हो जाने हैं। तू बकवास कम किया कर, मैंने कहा नीचे उतर। क्या आंटी जी मैं आ रहा हूँ, बाद में कहना नहीं कि मैंने आपको बताया नहीं, ठीक है? चल यार राज। ये क्या है? हाय रब्बा। ये क्या बदतमीजी है? आंटी जी मैंने तो आपको पहले ही बोला था, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। जाओ अंदर जाके कपड़े पहनो। ओके जी। वो शहर का है, गांव के रीति रिवाज से अनजान है। आइए आप लोग अंदर आइए। तरीके हैं, होली का रंग छुड़वा रही हूँ। ओह मम्मी जी आप ना ओल्ड हो गए हो। अरे क्रीम पाउडर के जमाने में आप ना अभी तक देसी नुस्खों में फंसे पड़े हो। अपनी माँ को मत सिखा, इन्हीं पुराने तरीकों से मात देती आ रही हूँ आज तक मैं सबको। मात दे दिया करती थी। अब सिर्फ हार के आती है। होली के जश्न पर अंबा की गर्दन झुकेगी, यही कहा था ना तूने मुझसे? यही कहा था ना तूने मुझसे? अब इनका अचार तो बनेगा नहीं, ये सारी की सारी अब तुझे ही खानी होगी। मेरा प्लान बिल्कुल सही था, लेकिन रोहन की वजह से देखा ना हमें वापस आना पड़ा। हम उसे उस हालत में वहां कैसे छोड़ सकते थे? वरना उस अंबा की इज्जत उछालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता था। जंग में बहाने काम नहीं आते मोहिनी, और पवन के साथ हमारी जंग है, रोज की जंग।
और आज हार कर आई है। आज तेरी वजह से अंबा पावनिया अपने घर में जीत का जश्न मना रही है। थोड़ी तकलीफ तो होनी चाहिए ना। अजी जी मैं खासे अब इसे तो ही पूरा करेगी। मम्मी खाओ ना इसको। सतेले पापा जी, मम्मी ने सारी हरी मिर्ची खत्म कर दी। अगली बार पवनियों को लेकर कोई शर्त लगाए, इन मिर्चियों को याद जरूर रखना। ये तेरा शहर नहीं है जहां पर लोग अधनंगे होकर घूमते होंगे। ये ककवाल है और सबसे बड़ी बात, ये मेरा घर है। यहां पर ये सब नहीं चलता। जब से आए हो तब से कुछ ना कुछ तमाशा तुम्हारा लगा ही है। पहले शगुन का नारियल को हाथ लगा दिया और अब अधनंगे होकर कूद रहे थे बाहर। जी आंटी मेरी बात। बस एक शब्द नहीं बोलना मेरे सामने। सॉरी आंटी जी, आज तक जो भी गलती की है ना उसके लिए माफ कर दीजिए प्लीज। आप ही का तो बच्चा हूं, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चों को माफ तो कर ही सकते हैं ना उनकी गलतियों के लिए। आज के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी आपके पास, कि मेरा वादा है। कुंजन की शादी के लिए आइडिया लाने वाला था ना, मगर अपनी हरकतों जैसे ऊट पटांग आइडिया लाया तो मेरे घर का दरवाजा उधर है। बिना बोले अपना सामान उठाना, निकल लेना। ठीक है। ओए राज, ये सुक्के की बेवकूफी नहीं है, ये किसी का सोचा समझा प्लान है और मैं जानता हूं किसका, मेरे दोस्त का। कागज के फूल वो तेरे शहर में दरवाजा खटखटा के आने का कोई रिवाज विवाज है कि नहीं? हाँ, और तेरे गांव में लोगों के कपड़े चुराकर भागने का रिवाज है ना? कपड़े? किसके कपड़े? कैसे कपड़े? मेरे कपड़े और किसके कपड़े जो आज चोरी हुए, और मुझे पूरा यकीन है कि तूने ही चुराए हैं। वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो किसे कहा था ऐसे लंगड़ंग घूमने के लिए? इसका मतलब तूने चुराए थे ना? सच सच बता। तो मैंने ऐसा कब कहा? वाह जी वाह, ठीक तो अपने कपड़े उतार के फेंक दिए, ऊपर से वो मिले नहीं तो किसी पर भी इल्जाम लगा दो हैं? तो जो काम तो आंगन में खुलेआम कर रहा था वो तो बाथरूम में भी कर सकता था। लेकिन ना जी ना, साहब तो शहर से आए ना, तो जो मन में आया वो कर दिया है कि नहीं? ओए, ऐसा क्या कर दिया मैंने है?
कौन सी तेरी बच्चिया घुमा दी? हो क्यों? रोके में तूने नारियल नहीं हाथ में उठा लिया था, जो तुझे नहीं करना चाहिए था। शगुन का नारियल छुआ भी और लाड साहब की तरह ला कर मेरे हाथ, मेरी गुंजन दीदी के हाथ में थमा दिया। ओए, वो तो गलती से गिर गया था इसलिए उठा लिया, अपशगुन हो जाता इसलिए बचाया, और तू मुझ पे भड़क रहा है। एक मिनट, तुझे कैसे पता कि नारियल मैंने पकड़ा था? तो वहां था ही नहीं।